क्वालिटी देखो, ये देखो गाइस इसकी कितनी बेहतरीन टाई है। और ये अभी भाई सिर्फ पट्टा है 3 महीने का। बोलते हैं बहुत से लोग कत्थई शिराजी बोलते हैं, हम तो भाई इसको रेड शिराजी बोलते हैं। ये देखो गाइस, तो ये साफ सुथरी मार्किंग में सामने से भी सफेद, मतलब ये तो प्योर है ना, फुल प्योर प्योर मार्किंग गाइस, प्योर में पट्टा है। तो भाई एक काम कर। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब भाई? होप के गाइस आप सभी भाई ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने 5 न्यू फैंसी पिजन्स बताऊंगा, जो कि गाइस हमारे एक भाई हैं, उन्होंने हमको दिए। मतलब उन्होंने कहा था कि भाई आप ले लो और आप मतलब सेल कर लेना। वो काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि भाई आप ले जाओ आप ले जाओ। तो कलर भी काफ़ी डिफरेंट था और चीज़ भी थोड़ी अलग थी, तो मैंने कहा ठीक है भाई मैं ले लेता हूँ और फिर यहाँ से जिस किसी को भी चाहिए होंगे गाइस मैं उसको दे दूँगा। और कल आपको पता ही है भाई और मैं प्रकाश भाई के घर गए थे, तो एक शिराजी लाया था भाई ब्लैक कलर का। तो इतने में मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया था कि भाई मुझे एक रेड शिराजी चाहिए, तो मैं एक रेड शिराजी भी लेकर आया था। तो अभी मैं गाइस आपको 5 शिराजी कबूतर, मतलब 5 नहीं, 1 शिराजी कबूतर का, 2 सेंटीनेट कबूतर का और 2 मुखी कबूतरों का गाइस अच्छे से शौक करवाऊंगा। और बाकी कल जो अपन लखा और मुट्टो लाए थे लास्ट वीडियो में, तो अपन मैं आपको उनकी जगह भी बताऊंगा कि गाइस वो हमारे लॉफ्ट में सेट हो चुकी है, बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। और ऐसा लग रहा है भाई वो पुरानी है, क्योंकि भाई वो सच में ही पुरानी है, तो वो भी सेट हो गई, उसका मेल था भाई वो भी सेट हो गया, तो अब इतनी लॉफ्ट में भाई दिक्कत नहीं आ रही। तो चलिए गाइस सबसे पहले तो अपन कबूतरों को खोलेंगे। लेकिन ये देखो भाई, भाई ने 3 चीज़ें कूट के, रेत नहीं डाली, 2 चीज़ें डाली हैं, ईंट और मिट्टी को गाइस इसने कूट के डाला है, ये देखो भाई, ताकि कबूतर अच्छे से खाएं और खाना हजम रहा है। आपको ही पता होगा भाई मिट्टी कितने फ़ायदा करती है। तो चलिए गाइस अब सबसे पहले तो अपन अपने सारे ही कबूतरों को खोल देते हैं। ये देखो भाई, और वो आते से देखना वो मिट्टी खाने लग गई, वो ब्लू बार अभी आते से भाई मिट्टी खाएंगे सबसे पहले। तो आ जा तो भाई ये देख सकते हो आप लोग, धीरे धीरे करके सारे ही कबूतर आ रहे हैं। और मैं अभी आपको अपने, ये देखो ये लखा, ये है कि फुल बाहर आने को बेताब है, क्योंकि भाई जब हमाइयाँ थी जब भाई बिल्कुल ये खुली रहती थी, अभी नहीं है इसलिए इसको बंद रखना है। तो इसको खोलूँ, देखना कैसे भागेगी। 1 2 3 ये देखो भाई, ये गई, ये सेंटीनेट गए, ये उसका मेल गया, और ये देखो भाई किंग आ गए। ये देखो भाई ये किंग भी चला गया, और ये रहा भाई मुट्टो, इसको भी जाने दो भाई। भाई ये देख सकते हो ये भी आ गए, हाँ खोल दो ना। और भाई ये देखो लॉन्ग फेस भी है इसमें, जो कि भाई मैं इसको भी आज निकालता हूँ बाहर यार, इसको भी बाहर करते, नहीं पिटेगा भाई। तो भाई इसको भी अभी मैंने थोड़ी देर को बाहर करा है, अभी मैं क्या करता हूँ इसको भाई धूप में रख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ये देखो भाई थोड़ी देर इसको अपन अच्छे से धूप वगैरह लेने देते हैं, क्योंकि हमारे घर में सिर्फ इसी साइड धूप आती है। तो अभी इसको धूप में छोड़ते हैं। और बाकी ये रहा है अपने सारे ही कबूतर, ये देखो भाई सब खुल चुके हैं। और मैं आपको 2-3 चीज़ें और बताता हूँ। ये देखो भाई बॉक्स में इसलिए रख दिए थे कि भाई ये लड़े ना और एक दूसरे की पेटियों में ना भागें, ना घुसें। तो और ऊपर भी बैठे हैं, इनको भी करो बाहर। ये देखो, चलो आप भी चलो। ये देखो भाई, ये देखो चलो बाहर, चलो बाहर। ये देख सकते हो गाइस यही है हमारे नए कबूतर, जो कि बहुत ही फुर्तीले हैं। अभी मैं आपको सभी का शौक करवाऊंगा, बिल्कुल नए पट्टे हैं, नई उम्र के। तो ये सब बाहर है, तो बॉक्स में क्या है? वो शिराजी, देखते हैं भाई इस बॉक्स में क्या है। सेंटीनेट, इसको भी भाई बाहर छोड़ दो। ये देखो भाई इसको भी कर दिया बाहर। तो भाई अब मैं आपको सबसे पहले तो शिराजी का शौक करवा देता हूँ, जो कि भाई कल लेकर आए थे। भाई करवा देना इसका शौक, करवाना। भाई ने डिलीवरी का बोला था, वो क्या हुआ भाई? गाइस मैं भी बाहर चलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। गाइस कल ही मेरी इस शिराजी कबूतर से, मतलब शिराजी कबूतर की बात हो गई थी, उन भाई ने कहा था कल ही भेज देना करवाई दूँ। ये देख सकते हो गाइस, ये है ब्राउन रेड शिराजी जिसको हम बोलते हैं, बहुत से लोग कत्थई शिराजी बोलते हैं, हम तो भाई इसको रेड शिराजी बोलते हैं। ये देखो गाइस, तो ये साफ सुथरी मार्किंग में सामने से भी सफ़ेद, मतलब कहीं भी मिस मार्क नहीं है इसके ऊपर, और साफ सुथरी मार्किंग का गाइस ये शिराजी है भाई, इसको नीचे रख देना। ये देखो गाइस,
तो ये बिल्कुल नई उम्र का पट्टा है, न्यू एडल्ट, और जोड़ भाई कह रहे थे लगा लेगा थोड़े ही टाइम में। वैसे तो लगभग गाइज ये फुल हो चुका है, साइज वगैरह भी भाई इसका काफी सही है। तो ये था गाइज हमारा शिराजी, जिसको मैंने गाइज बता दिया आपको। अब गाइज मैं आपको चार अपने न्यू पिजन्स का भी शौक करवाऊंगा। अभी जब तक ये देखो भाई, ये बिल्कुल मिट्टी वगैरह अच्छे से खा रहे हैं, और वो देखो यार, बस इसलिए मैं उसको नहीं खोल रहा था। मत कर भाई मत कर, मैं उसको बंद कर रहा हूँ, मैं बंद कर देता हूँ उसको, नहीं तो मैं इसको यहाँ बिठा लेता हूँ। किधर? इधर इस पे, इस पे धूप मिल जाएगी ना तो अच्छा। ये रखा ना धूप में भाई, इसको इधर रखो ना। इसमें कुछ मिलाओगे? क्या मिलाओगे इसमें? कुछ भी मिला दो। चलो मैं धूप में रख रहा हूँ। ये देखो ये तो यहाँ भी नहीं छोड़ रहा उसको। फिर अभी मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं इधर पर छोड़ देता हूँ। ये देखो भाई अभी ये शायद भाई कुर्सी से नहीं आएगा। बैठे रहो भाई, बैठे रहो, आराम से धूप लो। और बाकी गाइस अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन अपने सारे कबूतरों को दाना पानी कर देते हैं, क्योंकि भाई ये आ चुका है अपने कबूतरों का दाना। इसको मैं रखता हूँ भाई इधर पर। आ आ आ आ आ आ आ आ, अब देखना भाई कैसे आएंगे सब। आ आ आ आ आ, और एक और ट्रे है गाइस जो कि हमारा भाई लेकर आ रहा है। ये देखो भाई मैं ही ले, ये देखो गाइस ये आ चुकी है एक और ट्रे, और इसको मैं रखता हूँ गाइस इधर। आ आ आ आ आ, वाटर ड्रिंकर को भाई थोड़ा सा इधर रख देना इधर। ये देखो गाइस, और इसको मैं इधर करता हूँ। और भाई ये रहा प्लेट। आ आ आ आ आ, जो कि गाइस मैं इसको इधर रख देता हूँ ताकि सारे ही कबूतर खान। ये मैं काम करता हूँ, इसको इधर रख देता हूँ, इधर भी काफ़ी कबूतर घूम रहा। लो लो लो, तो भाई ये देख सकते हो आप, सारे ही कबूतर बढ़िया तरीके से दाना खा रहे हैं। ये देखो भाई, और सारे मतलब नए तो अभी खाएंगे नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब आज शाम से तो खाने लगेंगे। बाकी माशाल्लाह से सारे ही कबूतर दाना खा रहे हैं, तो अभी इनको दाना खाने देते हैं। उसके बाद गाइस मैं आपको करवाता हूँ मेरे दो न्यू सेंटिनेट का, और एक मुखी, और एक मुखी का शौक। सभी कबूतरों ने दाना खा लिया था, और सबसे पहले गाइस भाई ने पकड़ा है एक सेंटिनेट पट्टा, जो कि गाइस मैं सबसे पहले दिखाता हूँ आपको। ये कलर है गाइस वाइट सेंटिनेट। मैंने आपको ब्लू बार बटरफ्लाई, लाइट बटरफ्लाई दिखाए हैं, ब्लैक सेंटिनेट भी दिखाए हैं, लेकिन ये देखो भाई कितनी बेहतरीन चीज़ है वाइट सेंटिनेट, बिल्कुल छोटी चोंच में, और बहुत ही प्यारी गाइस इसकी मतलब छोटी है। और टाई की क्वालिटी देखो, ये देखो गाइस इसकी कितनी बेहतरीन टाई है, और ये अभी भाई सिर्फ पट्टा है 3 महीने का। और बाकी मैं भी आपको इसके पर वगैरह भी दिखाता हूँ गाइस, इसको सेमी एडल्ट बोल लो आप। ये देखो गाइस फुल वाइट रखा है, और ये देखो भाई, और अभी मैं इसको आपको सामने रख के दिखाता हूँ, फिर आप देखना भाई उधर रख देना। ये देख सकते हो गाइस कितनी बेहतरीन चीज़ है भाई। उसका भाई बहन जो भी है, बनेगा तो उसका पार्टनर ही, तो मैं भी आपको ये दिखाता हूँ, बहुत प्यारी चीज़ है ये भी। ये देखो गाइस धूप में, ये भी है भाई वाइट प्योर सेंटिनेट, जो कि प्योर वाइट नहीं है, आपको मैं भी रीज़न भी बताऊँगा। सबसे पहले तो आप इसकी चोंच वगैरह और इसकी टाई वगैरह देख लो, ये देखो भाई कितनी बेहतरीन है गाइस। ये प्योर वाइट में नहीं आएगा, आप बोलेंगे क्यों, तो अब भाई बताना उसका मेन रीज़न क्यों। ये देखो गाइस इसकी जो टेल है वो येलो कलर में आई है, और उसका रीज़न ये है कि गाइस इसके जो माँ बाप था उनमें से कोई एक टेल मार्क मुखी में था, मुखी नहीं सेंटिनेट में था, मतलब उसकी ब्लैक कलर की टेल थी, तो उसकी रीज़न की वजह से गाइस इसकी टेल येलो कलर की आई है, जो कि भाई बहुत बेहतरीन लग रही है। और बाकी चीज़ देखो भाई कितनी बेहतरीन है। अब इसको सामने रख के बता दो भाई, इसको सामने रख दो, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये रहा प्योर वाइट, आधा वाइट सेंटिनेट, और इससे जो प्योर वाइट सेंटिनेट है गाइस, ये पट्टों का जोड़ा है। किसी को भी चाहिए होगा गाइस मुझसे कांटेक्ट कर लेना, मैं दे दूंगा, और ये कम ही रेंज के हैं। और उसी के साथ गाइस भाई ये आता है ब्लैक चेकर्स में पट्टा। ये देखो गाइस, ये है भाई मुखी पट्टा, इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये ब्लैक से निकला है ना, ये देखो गाइस, तो भाई ये देख सकते हो ये एक सिंगल पट्टा है, जो कि भाई मुखी में है। ये देखो गाइस, ये तो प्योर है ना, फुल प्योर, प्योर मार्किंग गाइस, प्योर में पट्टा है। तो भाई काम कर, छोटा मुंह का है देखो, छोटा है ना, देखो भाई कितना बेहतरीन पट्टा है, और चेकर में भी है, ये देख सकते हो। इससे भाई कलर, डिफरेंट कलर के भी बच्चे निकल सकते हैं, क्योंकि इसका कलर चेकर में है। तो भाई इसको एक काम करो, सामने रख दो, फिर देखना भाई आप लोग। ये देखो गाइस, ये देख सकते हो, ये रहा एक मुखी का पट्टा, जो कि भाई भाई ने भेज दिया था। और ये भी गाइस काफी एक्टिव है, ये देखो ये चला गया, प
ऊपर, उखड़ने के बाद भी ये चला गया ऊपर। बस ये परेशान ना करे, ये देखो ये बैठा हुआ है, कहाँ है ये आएगा, ये देखो भाई। तो अब इसको उतारना पड़ेगा, नहीं तो आज ये भग गए तो आज फिर कांड हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हो यार कितना बेहतरीन लग रहा है। बाकी यार अब चूजे खोलने का टाइम हो गया है तो चूजों को भी खोलते हैं। बहुत दिन से आपको दिखाई नहीं है तो मैं भी आपको चूजे दिखाऊंगा। बस वो देखो कबूतरों को मारना, और लॉन्ग फेस को मैंने बंद कर दिया था क्योंकि यार उसको कबूतर मार रहे थे। तो अभी इसको हैंड फीड करवाना है और ये अपनी जगह पे सेट है, मतलब अब ये इन्हीं की पेटी रहेगी। जब तक ये रहेंगे ना ये कब्जा हो जाएगा इनका, इधर ही रहेंगे भाई। और बाकी एक कबूतर और बचता है भाई, वो भी दिखा दो यार, कहाँ है वो, पकड़ना उसको। अब आप बोलोगे कि सबूर भाई ये क्या चीज़ है, तो गाइज मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये भाई ये मुखी कबूतर का बच्चा है, लेकिन मुखी में थोड़ी सी मिस मार्किंग में आया है। आप लोग बोलोगे ये भाई ये मुखी नहीं हो सकता, तो मैंने भी गाइस ये भाई से बोला था कि यार ये मुखी नहीं है, लेकिन भाई ने मुझे इसके माँ बाप दिखाए जो कि गाइस प्योर मुखी। तो भाई कभी कभी क्या होता है कि यार कबूतर, मतलब मुखी कबूतर भी मिस मार्किंग में निकाल देता है, और इसमें थोड़ी ज़्यादा मार्किंग आ चुकी है। लेकिन भाई ये रहेगा ब्लड लाइन मुखी की ही, क्योंकि माँ भी मुखी थी बाप भी मुखी था। और ब्लैक आई की इसलिए नहीं आई क्योंकि इसके आँखों के ऊपर ये कालापन आ गया। अगर भाई कालापन रहेगा और काली आंख होगी तो आप ही सोचो कैसा लगेगा। इसलिए मुखी के वाइट सर होता है तो ब्लैक आंख होती है। लेकिन अभी इसकी आंख है गाइस येलो में, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो भाई इस साइड की भी येलो है ना, तो भाई दोनों साइड की आंख येलो है। ये देखो भाई, और इसके पर वगैरह दिखाना, ये है भाई डार्क ब्लैक मेल है। और भाई आप लोग सोच रहे होगे कि भाई ये तो आप फिर मुखी के रेट में दोगे, नहीं गाइस, जो कि सादा एक कबूतर होता है ना बिल्कुल नॉर्मल सादा, तो ये हम उसके रेट में देंगे। क्योंकि भाई ये देख सकते हो गाइस, तो ये थोड़ा मिसमार्क में मुखी बोल लो, लेकिन भाई मैं आपको बिल्कुल सादे कबूतरों के रेट में दूंगा, बिल्कुल सादा जैसे नॉर्मल सादा कबूतर होता है ना उस रेट में गाइस ये आपको मैं, मेल है ना भाई ये कन्फर्म, तो भाई कन्फर्म मेल है भाई, मैं ये दे दूंगा। जिसको भी चाहिए घर आना वो ले जाना। ये चार कबूतर थे जो कि भाई ने हमको भेजे थे, दो सेंटीनेट, एक ओरिजिनल मुखी पट्टा और एक थोड़ा मिसमार्क में मुखी। ठीक है भाई, तो जिस किसी को भाई इन चारों में से कोई भी कबूतर चाहिए, वाइट सेंटीनेट गाइस आपने देख लिए कितने बेहतरीन थे, तो वाइट सेंटीनेट का पैर मिल जाएगा। 3 महीने के हैं लगभग, 1-1.5 महीने में गाइस ये पूरा एडल्ट हो जाएंगे और पैर भी लगा लेंगे। और बाकी मुखी चाहिए सिंगल, ये सिंगल मुखी पट्टा मिल जाएगा। बड़ा मेल चाहिए सादों के रेट में जो कि सादा कबूतर आता है, तो वो भी गाइस आपको ये वाला मुखी मिल जाएगा। तो ये तो थे गाइस आज के हमारे चार कबूतर, और वो एक रेड शिराजी, अगर वो भाई ने ले लिया तो ठीक है, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि भाई वो सेल को देना है या नहीं देना। तो ये तो थी गाइस आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि गाइस मैंने आपको अपना एक शिराजी, दो मुखी और दो सेंटीनेट कबूतर बताए जो कि भाई सारे ही देने वाले हैं। तो कोई भी जिसको किसी को भी चाहिए होंगे गाइस हम उसको सेल कर देंगे। और बाकी मैंने गाइस आपको उन सभी का शॉप भी अच्छे से करवा दिया, और जो क्वालिटी वगैरह थी और जो कुछ भी कहानी थी सब कुछ सच सच आपको बता दिया। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आपको हमारे कबूतर पसंद आए होंगे, और वीडियो भी, और वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक चीज़ और गाइस, जैसे कि हम और भाई ने देखा यार हमारा जो किंग जो पट्टा था वो जो हम लेकर आए थे, तो भाई वो मेल निकला है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि उसके लिए क्यों ना यार एक पट्टी फीमेल ढूंढ लें, मतलब जो पट्टी हो, क्योंकि गाइस अगर वो बड़ा हुआ और उसके लिए फिर हम फीमेल देखने गए तो 2,500, 3,000, 4,000 ये रेट होता है, क्योंकि 6,000, 8,000 का किंग का बड़ा पेयर आता है। इसीलिए गाइस हमने सोचा है कि भाई पट्टी अगर मिल जाएगी तो मज़ा आ जाएगा, फिर भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 महीने लगेगी, लेकिन भाई अपन का काम थोड़ा कम रेट में हो जाएगा, क्योंकि बड़ी जोड़ लाना इतना आसान नहीं है गाइस, बहुत महंगा आता है किंग का बड़ा पेयर। और उसी के साथ गाइस फेंटेल की तलाश भी जारी है, जैसे ही हमें फेंटेल मिलेगी वो भी मैं आपको इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज में बता दूंगा। और बाकी एक चीज और बचती है जो कि है मेरे चूजे, तो मैं आपको वो भी दिखाता हूँ भाई कि मेरे जो चूजे हैं वो कितने बड़े हो चुके हैं। ये देखो भाई ये येलो है जो कि मेल मुर्गा निकला है, और ये वाली जो थी ब्लैक ये फीमेल निकली। तो